जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 5 है, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसके पहले मैंने इसका कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड मीनिंग वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि उसको आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ वांडा पेट्रोंस्की टू पैगी एंड मैडी, यानी पैगी और मैडी के प्रति वांडा की क्या प्रतिक्रिया थी। इसका आंसर होगा, व्हेन पैगी एंड मैडी मैड फन ऑफ वांडा, शी डिड नॉट स्पीक टू देम एंड रिमेंड सीरियस, यानी जब पैगी और मैडी ने वांडा का मजाक बनाया तो उसने उनसे बात नहीं की और गंभीर बनी रही। शी हैड नो अमेरिकन फ्रेंड, शी वॉक्ड अलोन विथ डल आइज एंड हिच्ड हर शोल्डर्स इन अ फनी वे, जैसे कि उसका कोई अमेरिकी दोस्त नहीं था, वह सुस्त आँखों से अकेले चलती थी और मज़ेदार तरीके से अपने कंधे हिलाती थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड मैडी राइट अ नोट टू पैगी एंड देन टोर इट, इन मैडी ने पैगी को क्यों नोट लिखा और फिर फाड़ दिया। तो इसका आंसर होगा, मैडी रोट अ नोट टू पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, बट सी टोर इट एज सी थॉट दैट कुड एनी एनॉय पैगी एंड सी वुड मेक फन ऑफ हर इंस्टेड। मैडी ने वांडा का मजाक बनाने से रोकने के लिए पैगी को नोट लिखा, लेकिन उसने उसे फाड़ दिया और सोचा कि यह पैगी को परेशान कर सकता था और वह उसके बजाय उसका मजाक उड़ाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वाज पैगी, यानी पैगी किस प्रकार की लड़की थी। तो इसका आंसर होगा, पैगी वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यानी पैगी सबसे आकर्षक और बुद्धिमान लड़की थी। शी वाज वेरी सेंसिमेंटल एंड कुड नॉट बियर एन एनिमल टू बी होल्ड एंड प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलिस, बट टूवर्स वांडा सी हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड, यानी वह बहुत भावुक थी और एक जानवर की पीड़ा नहीं देख सकती थी और ताकतवर लोगों से छोटे बच्चों को बचाती थी, लेकिन वांडा के प्रति उसका एक अलग रवैया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू ड्रेसेस ऑफ वांडा पेट्रोंस्की इन ब्रीफ, यानी संक्षिप्त में वांडा की दो ड्रेसों का वर्णन करो। तो इसका आंसर होगा, ईच ड्रेस ऑफ वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर एज वन ऑफ द ड्रेसेस वाज इन एन अमेजिंग जंगल ग्रीन कलर एंड अदर वाज रेड सैश, यानी वांडा की प्रतीक पोशाक अन्य से अलग थी क्योंकि एक अद्भुत जंगल की तरह हरे रंग की थी और अन्य लाल सैश थी। एक्चुअली ईच ऑफ देम वर ब्यूटीफुल एनफ टू विन द कंपटीशन इंडिविजुअली, यानी वास्तव में उनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता जीतने के लिए पर्याप्त सुंदर थे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंपटीशन अबाउट इन द स्कूल, यानी विद्यालय में किस प्रकार की प्रतियोगिता थी। तो इसका आंसर होगा, देयर वाज अ ड्राइंग कंपटीशन इन द स्कूल इन विच ऑल द बॉयज हैड टू ड्रा अ मोटर बोट एंड ऑल गर्ल्स हैड टू मेक स्केचेस ऑफ अ ड्रेस, यानी स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता हुई जिसमें सभी लड़कों को एक मोटर बोट बनानी थी और सभी लड़कियों को एक ड्रेस का स्केच बनाना था। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हु वन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन ईच कैटेगरी, व्हाट हैड दे ड्रॉन, यानी प्रत्येक वर्ग की ड्राइंग प्रतियोगिता में कौन जीता, उन्होंने क्या बनाया। तो इसका आंसर होगा, इन द बॉयज कैटेगरी जैक बैगल्स ओन हु ड्रीव अ मोटर बोट एंड वांडा पेट्रोंस्की हु ड्रेस 100 डिफरेंट ड्रेसेस ऑन द गर्ल्स मेडल्स इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, यानी लड़कों की श्रेणी में जैक बैगल्स जीता जिसने एक मोटर बोट बनाई थी और वांडा पेट्रोंस्की ने 100 अलग अलग पोशाकों को बनाया और लड़कियों में ड्राइंग प्रतियोगिता में पदक जीता। सेवन नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज एवरी वन इन द क्लास रिएक्ट वांडाज ड्राइंग, वांडा की ड्राइंग के प्रति कक्षा में सभी ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो इसका आंसर होगा, एवरी वन क्लैप्ड आफ्टर हैविंग अ लुक ऑफ वांडाज ड्राइंग, यानी वांडा की ड्राइंग देखने के बाद सभी लोगों ने लगभग ताली बजाई। इवन द बॉयज हु वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राइंग अपलोडेड एंड वी सोल्ड एट द
start dropping sketches that Wanda's had made of 100 dresses she claimed to have. यहाँ तक कि लड़के जो ड्राइंग में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे उन्होंने तालियां बजाई और ताव छोड़ने वाले स्केच पर सीटी बजाई। जब वेंडा ने 100 पोशाकें होने का दावा किया था जो उसके पास थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाई वर दी बॉयज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, इन लड़कों को ड्रेसों में रुचि क्यों नहीं थी। तो इसका आंसर होगा दी बॉयज वर इंटरेस्टेड ओनली इन वांडाज विक्ट्री, इन लड़कों को केवल वांडा के जीत में दिलचस्पी थी। सो दे अप्रिशिएटेड हर ड्राइंग एंड वेलकम्ड दी अनाउंसमेंट बाय विशलिंग, इसलिए उन्होंने उसकी ड्राइंग की सराहना की और सीटी बजाकर घोषणा का स्वागत किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड पैगी मेक फन ऑफ वांडा, यानी पैगी ने वांडा का मजाक कैसे बनाया। तो इसका आंसर होगा पैगी वुड वीट टू मेक फन ऑफ वांडा एट स्कूल बाई आस्किंग दैट हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड हैंगिंग इन हर क्लोसेट, यानी पैगी स्कूल में वांडा का मजाक बनाने का इंतजार करती रहती थी उससे यह पूछकर कि उसकी कोठरी में अलमीरी में कितनी पोशाकें लटक रही हैं। वांडा वुड रिप्लाई दैट देयर वर 100, यानी तब बंडा कहती है कि 100। पैगी वुड देन आस्क अबाउट द ड्रेस मटेरियल एंड व्हेन वांडा वॉक्ड अवे वुड ब्रस्ट इनटू लॉटर सार्कास्टिकली मेकिंग फन ऑफ हर। फिर पैगी उससे पोशाक की सामग्री के बारे में पूछती है, जब वेंडा वहां से भाग जाती है तो जोर जोर से हंसकर उसका मजाक बनाती थी। 10 नंबर क्वेश्चन, वाई इज मैडी एम्बरेस्ड बाई द क्वेश्चन पैगी आस्क वांडा, यानी पैगी ने वेंडा से जो प्रश्न किए उसने मैडी को शर्मिंदा क्यों किया। तो इसका आंसर होगा मैडी वॉज एम्बरेस्ड बाई द क्वेश्चन एज सी वॉज ऑल्सो पुअर लाइक वांडा, सी अंडरस्टूड हर फीलिंग्स, सी हर सेल्फ वर समबडी इन हैंड मी डाउन क्लॉथ, यानी मैडी सवालों में शर्मिंदा थी क्योंकि वह भी वांडा की तरह गरीब थी। वह उसकी भावनाओं को समझती थी क्योंकि उसने खुद की दिए हुए कपड़े पहनती थी। शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वांडा, और उसे वांडा पर तरस नहीं आया। शी वॉज वरीड दैट परहैप्स लेटर एवरी वन वुड स्टार्ट टीसिंग हर टू, वह चिंतित थी कि शायद बाद में सभी उसे भी चिढ़ाने लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।